के टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप हम यूजली अपनी लैब लैबोरेटरीज़ में यूज करते हैं साइंस लैब में यूज करते हैं और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं ये बेसिकली इसका फंक्शन भी है और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स देट कैन नॉट बी सीन विद नेटा जो हम अपनी आम आंग से नहीं देख सकते जो नॉर्मली हम लैब में यूज कर रहे होते हैं जो नॉर्मली हम लैब में यूज करते हैं वो होती है लाइट माइक्रोस्कोप इसे लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सनलाइट को यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसमें जो हम बेसिकली सन का इस्तेमाल होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस रिफ्लेक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल सन जो है वो इस मिरर के ऊपर आइए देन इट विल रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हमें वो इमेज नज़र आता है इस लेंस के थ्रू होता हुआ वो डायरेक्ट आई पीस में चला जाएगा और इस तरह हमें हमारे आई पीस जहाँ पर हम आँख से देख रहे होंगे वहाँ पर हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ, आ जाएगा देन हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लाइट की तरफ माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द बेस बेस किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसके खड़े रहने में उसको बैलेंस करने में काम आती है देन द सेकेंड इज आम जब भी हमने माइक्रोस्कोप को पकड़ना होगा उसको होल्ड करने के लिए आम यूज होगी देन द ट्यूब ट्यूब में माइक्रोस्कोप का ट्यूब होता है उसके दोनों तरफ लेंस मौजूद होते हैं जो लेंस अपवर्ड जो ऊपर की तरफ मौजूद है उसे हम के आई पीस कहते हैं क्यों क्योंकि हमने इधर आँख के थ्रू हमने देखना होता है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आई पीस और सेकेंड दूसरे एंड पर जो उसके लेंस uh, मौजूद है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस उसको इसलिए भी कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट के बहुत करीब होता है दैट्स वाई ये लेंस कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के, के, uh, के बाद आता है जो स्टेज स्टेज इसलिए बनाया जाता है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकें और ये उसके होल्डर्स हैं ताकि उसकी ग्रिप मुझे हो जाए अब स्टेज पर जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए रिक्वायर्ड होती है ग्लास स्लाइड। ग्लास से बना हुआ एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप स्लाइड होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं देन हम उसको इधर स्टेज पर प्लेस कर देते हैं जस्ट बिलो द ऑब्जेक्टिव लेंस बिल्कुल उसके नीचे मिरर आ जाएगा जो रिफ्लेक्शन शो करता है टू रिफ्लेक्शन करता है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट देन हमारे पास स्ट्रक्चर के बाद आता है जी ये कितना भरा कर देता है आ, आ, जो माइक्रोस्कोप होती है वो कितना भरा करती है ऑब्जेक्ट को तो माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट को भरा करती है वो अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स होती है एक ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं जो हमें अपनी आंख आंख से नजर भी नहीं आ रहा है वो फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स हमें बड़ा नज़र आता है थ्रू दी लाइट माइक्रोस्कोप अब क्वेश्चन ये है और जो हमारी बुक में भी दिया गया है कि अब हमने तो सेल देख लिया हमने देख लिया कि एक सेल कैसा होता है या क्या एक मेम्ब्रेन के अंदर या एक बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैसे सेल्स मौजूद होते हैं अब क्वेश्चन ये कि अब हमें पता कैसे लगा हमें किस तरह किस माइक्रोस्कोप से पता लगा कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइल मौजूद हैं कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं तो जी उसके लिए जो हमने माइक्रोस्कोप यूज़ की वो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी यही माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत ही हाईली रिजोल्यूट हाईली रेजोल्यूशन वाली माइक्रोस्कोप होती है ये अबाउट फाइव हंड्रेड थाउजेंड टाइम मैग्नीफाई कर देती है एक ऑब्जेक्ट को दैट्स वाई हमें सेल का इनर ऑर्गेनल्स और पूरा सिस्टम समझ आ जाता है और ये एक इमेज प्रोड्यूस करती है इमेज प्रोड्यूस करेगी ऑन द स्क्रीन जैसे टी वी है या मोनीटर है उस स्क्रीन पर यह इमेज स्क्रीन इमेज प्रोड्यूस करेगी बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन की बीम्स जो हैं वो इमेज को प्रोड्यूस करती हैं हमारे मोस्टली uh, जो टी वीज हो, होते हैं ये भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से चलते हैं दैट्स दस विक इमेज प्रोड्यूस होती है तो ये था आज हमारा टॉपिक थे सेल एंड माइक्रोस्कोप उम्मीद है आप सबको वो समझ आई होगी थैंक यू